किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं की जाएगी, किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम, आप रहेगा हमारे साथ। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, क्योंकि अभिषेक ये जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है। भीड़ तंत्र को किसी भी तरीके से ये इजाजत नहीं मिल सकती है कि वो कानून को अपने हाथ में ले या इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने सख्त हैं और ये कहते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहे, इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अपराध की कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, किस तरह से एक क्या मिसाल पेश की जाएगी ताकि ये ऐसी कार्रवाई हो, दोबारा इस तरह की घटना ना होने पाए प्रदेश में? बिल्कुल, योगी राज की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के वजूद में आने के बाद से ही कानून व्यवस्था को पहली प्रायोरिटी पर रखा गया है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस तरह की जो भी घटनाएं अब तक हुई हैं या इस तरह की रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटनाएं जो भी पेश आई हैं, उनमें इस तरह की कार्रवाई की गई है जो अपने आप में नज़ीर है। आने वाले या पिछले बीते सालों में इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं देखी गई, खासतौर पर इस मॉब लिंचिंग की घटना जिसे अब सियासी रंग दिया जा रहा है या फिर धर्म और संप्रदाय विशेष के खिलाफ की गई घटना का नाम दिया जा रहा है, और धीरे धीरे इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग के अलावा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर खासतौर पर सरकार की नज़र है। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में इस घटना को दो पक्ष या फिर एक व्यक्ति विशेष के बीच हुए संघर्ष की बात कही जा रही थी और उसी में मारपीट इस कदर बढ़ी कि इस तरह गंभीर चोटें आने की वजह से मौत हुई, लेकिन उसके बाद से ही इस पूरे मामले को एक धर्म विशेष के खिलाफ की गई मॉब लिंचिंग का रंग दिया गया और फिर सीधे तौर पर कहा जाए तो धर्म और संप्रदाय विशेष से इस पूरी घटना को राजनीतिक दलों की तरफ से जोड़ने की कोशिश की गई। सियासी रंग की बात की जाए तो खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस पूरे मामले पर राजनीतिक रोटी सेकने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या कहा जाए पुलिस प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर ये उपाय किए जा रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं में जो भी लोग सोशल मीडिया पर या फिर सियासी रंग देने के लिए या वहां माहौल बिगाड़ने के लिए किसी तरह का मैसेज पास करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इन सारी बातों से बचा जाए, किसी तरह की अफवाहें आम पब्लिक में फ्लोट ना हो, सोशल मीडिया के जरिए किसी तरह की अफवाहों पर आगे चलकर किसी तरह का कोई रंग ना देखने को मिल जाए। खासतौर पर इसीलिए बड़ी तादाद में फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिन परिवार के साथ ये सब कुछ हुआ है या जिनकी जिनके परिवार से जो लोग आरोपी तरफ से ये कहा जा रहा है जिनकी तरफ से ये घटना को अंजाम दिया गया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे दर्ज किए गए हैं, गिरफ्तारियों के दौर शुरू हैं और जल्द ही इस पूरे मामले में पटाक्षेप होता नजर आएगा कि आखिर वाकई इस घटना को क्या मॉब लिंचिंग का रूप दिया जा रहा है, शुरुआती दौर में घटना क्या थी, बिल्कुल घटना की असल वजह भी साफ हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन इस मामले में हो रही है। अभिषेक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही है और इस पूरे मामले में उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। प्रदीप हमारे साथ जुड़े अलीगढ़ से, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले पर एक्शन हो रहा है, मॉब लिंचिंग को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही थी उसके बीच सरकार की ओर से भी अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए ताकि जो आपसी सौहार्द है वो बना रहे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अब अलीगढ़ से, ये बड़ी खबर जहां पर मॉब लिंचिंग से जुड़े हुए मामले में एक बड़ी अपडेट मिल रही है। अलीगढ़ मॉब लिंचिंग मामले में मामू भांजा इलाके में इस वक्त भी तनाव का माहौल बना है। मामू भांजा इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, जुमे की नमाज के दौरान भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर मेंटेन की जा रही है। मामू भांजा इलाके में जहां पर यह मॉब लिंचिंग हुई थी, एक शख्स को पीट पीट कर मार दिया गया था। मॉब लिंचिंग के मामले में औरंगजेब नाम के शख्स की मौत हुई और अलीगढ़ मॉब लिंचिंग मामले को लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि अभी भी इलाके में तनाव है और इसीलिए धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है। तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं, जुमे की नमाज का भी मौका है आज और इसीलिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में एक तरफ बुलडोजर एक्शन की मांग विपक्ष की ओर से की जा रही है तो दूसरी ओर अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक शख्स की मौत हो गई थी मॉब लिंचिंग, क्योंकि भीड़ तंत्र यहां हावी हो गया था, कुछ लोगों ने मिलकर औरंगजेब नाम के एक शख्स की हत्या कर दी और उसके बाद यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे इलाके को सुरक्षा कर्मी इस वक्त घेरे हुए हैं। मामू भांजा इलाका जहां पर सैकड़ों दुकानें बंद हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे भी ज्यादा अपडेट लेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर मिल रही है कि इस पूरे मामले में अभी निगरानी रखी जा रही है, प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हैं,
और प्रदीप हमारे साथ हैं अलीगढ़ से। सबसे पहले प्रदीप, आप ही का रुख करते हुए, अलीगढ़ में अभी कैसी स्थिति है मॉब लिंचिंग की घटना के बाद से, क्या कार्रवाई अभी तक की गई है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है और अभी कैसा है माहौल? देखिए, फिलहाल बात करें तो अलीगढ़ में जो मॉब लिंचिंग में 10 लोग जो नाम है तेजे थे, उसमें 6 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, बाकी 4 की तलाश जारी है। लेकिन आज की भी जुमे की नमाज है और अलीगढ़ बेहद संवेदनशील माना जाता है। जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर इलाका है, आप तस्वीरों से देख सकते हैं, तमाम जो यहाँ पर लगाया गया है, ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इसलिए तस्वीर है ये, तो तमाम जो पुलिस फोर्स है सुरक्षा में तैनात किया गया है। इसके अलावा एक जो कंपनी है वो आरएफ की तैनात की गई है, 3 कंपनियां पीएसटी की तैनात की गई है और जो 10 थानों की पुलिस फोर्स है बाहर से वो भी मंगाई गई है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, सुबह से ही जो एरिया है इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वहाँ घूम रहे हैं। इसके अलावा 10 जो है ड्रोन कैमरे गली गली चप्पे चप्पे पे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट होता है तो पुलिस को सबसे पहले, प्रशासन को सबसे पहले नजर आए, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर मिश्रित आबादी है और यहाँ पर परसों मॉब लिंचिंग की घटना हुई जिसमें औरंगजेब की हत्या कर दी गई थी। अभी फिलहाल क्योंकि सुबह का टाइम है, 1 बजे के करीब यहाँ नमाज पढ़ी जानी है, आप तस्वीरों से देख सकते हैं यहाँ पर 3 जो है मस्जिद है और पीछे वाला जो इलाका है, जरा तस्वीरों से दिखाऊंगा मैं आपको, पीछे वाला जो एरिया है यहाँ से मैं 4 मीटर की दूरी पर ही जो औरंगजेब नाम का शख्स उसकी मॉब लिंचिंग के बाद हत्या कर दी गई थी। तो फिलहाल जो है पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से निगरानी कर रहा है कि किसी तरह की अब कोई आगे अप्रिय घटना ना हो, कोई भी किसी तरह की कोई किसी को जरा। बिल्कुल, अब जो पुलिस प्रशासन की सख्ती है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तस्वीरें प्रदीप आप लगातार दिखा रहे हैं, जुमे की नमाज को लेकर भी आज खास तौर से यहाँ पर अलर्ट देखा जा रहा है और धारा 144 पूरे इलाके में लागू कर दी गई है। अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से हैं। अभिषेक, लखनऊ में कैसी स्थिति है और साथ ही ये भी बताएं कि इस घटना का कितना असर देखा जा रहा है पूरे प्रदेश में, सियासत इस मामले पर हो रही है, एक तरफ बुलडोजर एक्शन की मांग विपक्ष कर रहा है और योगी सरकार से पूछा जा रहा है कि औरंगजेब की हत्या हुई है तो क्या इस मामले पर भी उसी तरह से कार्रवाई होगी जैसे पहली घटना में हुई है, किस तरह से आवाज उठाई जा रही है और कितनी कार्रवाई अभी तक हुई है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, शुरुआती दौर में इस मामले को मॉब लिंचिंग की बात से पहले यह कहा जा रहा था कि चोरी की घटना में चोर को पीट पीट कर लोगों ने मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद इस पूरे मामले ने सियासी रंग लेना शुरू किया है। अब इस पूरे मामले में संवेदनशीलता इस तरह बरती जा रही है, सीधे तौर पर कहा जाए तो, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन भी क्रिएट होती जा रही है अलीगढ़ में, खासतौर पर राजनीतिक दल पूरी तरह इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और एक धर्म और संप्रदाय विशेष को टारगेट किए जाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर आला अधिकारियों को पूरे मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट बनाने के आदेश दिए गए हैं, पूरे मामले की एक विस्तृत जांच रिपोर्ट सीधे डीजीपी को सौंपी जाएगी जिसके लिए अधिकारी भी नामित किए गए हैं। बाकायदा एडीजी जोन को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इस पूरे मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएंगे, जल्दी से जल्दी यानी 1 हफ्ते के भीतर ये विस्तृत रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाएगी कि किस तरह से पूरी घटनाक्रम हुई थी, किस तरह ये इनिशिएट किया गया, क्या वाकई ये मॉब लिंचिंग का मामला है। प्रथम दृष्टया जिस तरह घटना को बताया जा रहा था कि उस समय अधिकारी चाहते तो घटना रुक जाती, वहां पर मौजूद लोगों का इंटेंशन क्या था, प्रामा फेसाई घटना क्या थी और क्या बाद में इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, ये वो सारी बातें हैं जिसके एंगल्स पर ये जांच रिपोर्ट बनाई जाएगी और जल्द ही शासन को सौंपी जाएगी। खासतौर पर अलीगढ़ और आसपास के पूरे इलाके में यानी कहा जाए इस पूरे जोन में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट कर दी गई है, किसी तरह से सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ बात ना लिखे, किसी तरह से भीड़ को या उपद्रव मचाने की कोई बात ना हो, किसी तरह इस पूरे मामले को किसी और रंग देने की कोशिश ना की जाए, सोशल मीडिया पर भी खास तौर पर नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल, अफवाहों से बचने के लिए कहा जा रहा है और प्रशासन भी नजर गढ़ाए हुए है कि सोशल मीडिया पर भी इस तरह की कोई खबर ना हो जिससे कि बवाल हो जाए या माहौल बिगड़े। प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रदीप, क्योंकि जुमे की नमाज है आज, इस मौके पर किस तरह से प्रशासन और सख्ती बरत रहा है और साथ ही क्या अपील लोगों से की जा रही है, वहां पर जो आपसी सौहार्द है वो बना रहे, भाईचारा बना रहे, इसको लेकर क्या जो मस्जिदों में भी क्या मौलाना अपील कर रहे हैं लोगों से? देखिए बिल्कुल, औरंगजेब जो मृतक है उसके परिजन को बुलाया था पुलिस ने और उनको समझाया था, उनको बताया गया था कि घटना कैसे घटी, उनको न्याय मिलेगा और जो भी आरोपी था उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा तमाम जो धार्मिक गुरु हैं यानी मौलाना हो गए या जो हिंदू धर्म के गुरु हैं सबको बुलाया गया, एक पीस कमेटी बनाई गई, उसकी मीटिंग की गई, उनको बाकायदा समझाया गया क्योंकि माहौल खराब होगा तो सख्ती में दिक्कत होगी। इसको लेकर बाकायदा जो मौलाना है उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि क्योंकि धारा 144 लागू है, लोगों घर से भीड़ नहीं निकल सकती, लेकर मस्जिद जो सभी जो
माजी एमपी नमाज अदा के लिए मस्जिद पहुंचेंगे, तो जो भी भीड़ है वो किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं की जाएगी, किसी तरह का कोई जुलूस नहीं आ जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम, आप रहेगा हमारे साथ। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं क्योंकि